स्वागत है गाइस आप सभी को और एक नया वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेंटल टू व्हीलर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बेंगलोर के अंदर इतना बेस्ट सर्विस है और रेंटल के मामले में भी बहुत ही कम है। इसमें जो ये टू व्हीलर का रेंट जो है बहुत ही कम है, प्लस इसमें आप अगर ये टू व्हीलर लेंगे तो इतना ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे मेन पॉइंट जो है इसका बैटरी एनी टाइम 24 आवर अवेलेबल रहता है। जिसके पास डीएल है वो भी ले सकते हैं, जिसके पास डीएल नहीं है वो भी आके यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर जो है यहाँ से ले रहे हैं और उनका फीडबैक जो है बहुत ही अच्छा है, और बेंगलोर में जितना भी कंपनी है सबसे ज़्यादा बेस्ट फीडबैक यही कंपनी का है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये कंपनी के पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ, आपके लिए हेल्प होगा। इसी वीडियो के अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आपको यहाँ का जो लोकेशन भी देंगे, जो आप आके एक ही घंटे में इस टू व्हीलर को लेके जा सकते हैं। और इस टू व्हीलर को लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या हमको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि इसका डॉक्यूमेंट्स हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, प्लस इसमें और भी क्या क्या है, जो यहाँ पे जो काम करते हैं वो भैया को पूछ लेते हैं, तो आपको डिटेल से मालूम। आशीष भैया को पूछ लेते हैं, जो भैया जो है यहाँ पे करते हैं, जितना भी पार्टनर आते हैं टू व्हीलर लेने के लिए सबको वही मेंटेन करते हैं, उनको टू व्हीलर जो है यही देते हैं। तो नमस्ते भैया, स्वागत है आपको डालिम कुमार यूट्यूब चैनल पे, डालिम ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। सर बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर ना उसको कन्फ्यूज़ है, ये आपका जो इसको टू व्हीलर है ना, ई वी टू व्हीलर, तो इसको लोकेशन किधर है, कॉन्टैक्ट नंबर कैसे करना है, बहुत ही अच्छा इसका सर्विस है, ठीक है, 24 आवर बैटरी अवेलेबल है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ का हमको कमेंट आ रहा है, सर आप उसका एक वीडियो लेके आओ, वीडियो लेके आओ। तो इसी के लिए सर, जिसको कुछ मालूम नहीं है उसको कैसे लेना है, स्टार्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है? तो देखिए, आपको अगर गाड़ी लेना है सबसे पहले हमारा लोकेशन जानना ज़रूरी है। तो लोकेशन हमारा है HSR लेआउट, मंगमाना पालिया, ओल्ड मंगमाना पालिया रोड जी, और बिल्डिंग नंबर है 1/1249 जी। ओके, तो आपको गाड़ी लेने के लिए सबसे पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंटल एग्रीमेंट, उसके बाद बिल्डिंग फोटो, लोकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, और साथ में जो आप डिलीवरी करते हैं उसका जो आईडी है, वो आईडी का बस एक स्क्रीनशॉट चाहिए, बस इतना ही और कुछ नहीं। और आपको जो लेने के लिए 2000 डिपॉजिट देना पड़ेगा और 1300 रुपये आपका वीकली चार्ज पड़ेगा। सर लोकेशन जो हो गया, लोकेशन तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दे ही देता हूँ, और कॉन्टैक्ट नंबर भी है क्या, जाके वो कुछ इसमें पूछ सके, आपको ऐसे कॉन्टैक्ट कर सके अगर कोई लेना चाहता है? ओके, आप कभी भी मेरा नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर गाड़ी लेना हो तो, 8867383574। ओके जी। और सर इसका जो आपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया है, इसका रेंट का क्या सीन रहता है या फिर इसका डिपॉजिट क्या रहता है, ऐसा कुछ? हाँ, मैं वही बताने वाला था। देखिए, आपको अगर गाड़ी लेना हो तो सबसे पहले तो आपको जो डिपॉजिट और जो वीकली चार्ज है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ना हो तो फिर वो अलग बात है, आप कैश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग मतलब लोगों को बोलते हैं कि आप लोग जितना हो सके आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट लेके आइए। तो 2000 आपको डिपॉजिट जो है वो तो आपको देना पड़ेगा, साथ में 1300 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा लेने का टाइम। बिल्कुल जी। उसके बाद एक वीक कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट वीक में फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसी टाइप से हमारा मतलब ये चलता रहेगा, वीकली वीकली आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन हम लोग आपको एक क्यू आर कोड दे देंगे, उस क्यू आर कोड में आपको पे करना पड़ेगा जी। इसका रेंट जो है 13300 है, प्लस 2000 जो डिपॉजिट वो रिफंडेबल है जी। अच्छा, जब और सर इसका जो बैटरी जो है क्या घर पे चार्ज करना है या इस... हमारे जो गाड़ी है इसमें चार्जिंग सिस्टम नहीं है, आपको अगर मतलब चार्ज करना है तो फिर वो आपको स्वैप करना है, हमारा वाला चार्जिंग सिस्टम नहीं है। आपको बेंगलोर में हमारा 125 प्लस बैटरी स्टेशन से ऑल बेंगलोर पे आपको कहीं पे भी जाके आपको बैटरी स्वाइप करने का मतलब सुविधा दिया गया, आप कहीं पे भी जाके आप स्वाइप कर सकते हैं जी। और जिसके पास डीएल नहीं है वो भी ले सकते हैं जी, जी, इसमें डीएल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये लो स्पीड व्हीकल है, आपको डीएल का जरूरत नहीं है इसमें। और इसमें हाई स्पीड कितना होता है इस टू व्हीलर में? 25-30 किलोमीटर पर आवर, 25-30। और एक बैटरी जो है कितना एवरेज तक इसका माइलेज देता है? हाँ जी, ऐसा है कि हमारे पास दो टाइप का बैटरी है। ओके जी। उसमें एक रेड आता है, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। जो रेड कलर का बैटरी है वो आपका 40-45 किलोमीटर जाएगा। अच्छा, और जो ग्रीन कलर का बैटरी है वो 65-70 किलोमीटर जाएगा। बिल्कुल जी। और ये जो अगर कोई लेते हैं इस टू व्हीलर को बैटरी, बाद में स्वाइपिंग करने के लिए स्टेशन में जाने के बाद उसके कुछ चार्जेस है ना, फ्री स्वाइपिंग है? वो फ्री स्वाइप है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है जी। हाँ, दिन भर में कितना भी वो स्वाइपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके जी। और मेन पॉइंट जो है इसमें अगर स्विगी में काम करते हैं तो स्विगी का आईडी चाहिए बोल रहे हैं, या जोमेटो में काम करते हैं उसका आईडी चाहिए ना जी? उसका आईडी का मतलब एक स्क्रीनशॉट काफी है बस। ओके ओके जी। दूसरा जो कंपनी है वो कंपनी क्या करती है, एक एक कंपनी में उसका आईडी ले लेती है, उसका पेमेंट जो है डायरेक्ट कंपनी वाला लेता है, उसके बाद जो है उसको बाद में पेमेंट करता है, वैसा टाइप का नहीं है इसमें? इसमें डायरेक्ट ओनली आईडी लेते हैं जी, ओनली आईडी, बाकी उनका पेमेंट में कोई वो दिक्कत नहीं है जी? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जी। और प्लस वो जो आईडी है स्विगी या जोमेटो, उसका कुछ दिन पुराना होना चाहिए, ओल्ड होना चाहिए, या न्यू आईडी में भी मिल जाता है?
हाँ, न्यू आईडी में भी मिलेगा और ओल्ड आईडी में भी मिलेगा, बस काम करना चाहिए बंदा। अच्छा, बस ऐसा ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, आईडी कंपलसरी है। और जो इसमें बिग बास्केट है और ये फ्लिपकार्ट है, ये सब में भी किसी में भी कर सकते हैं, मतलब किसी में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी भी आईडी में हम लोग नहीं देंगे, हम देते हैं, मगर अगर बंदा काम करने वाला बंदा हो, बस ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब गाड़ी लेने के बाद काम नहीं करेगा तो ऐसा उनको ही दिक्कत होगा। जी जी, हम लोग वही देख के देते हैं। काम नहीं करेंगे तो वो जितना रेंट है वो भर देंगे, वो उनका बात है, वो उनका बात है। पर कोई भी वेंडर के पास हम काम कर सकते हैं। हाँ जी जी जी, इसमें कोई वो नहीं है। और प्लस ये टू व्हीलर लेने के बाद अगर रास्ते में कहीं पर ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसको इधर ही लेके आना पड़ता है ना, आप लोग जाके उनको जाके सर्विस कर देते हैं। अगर कोई भी तरह का मतलब कोई इशू आए, जैसे कि गाड़ी बंद पड़ गया हो, तो फिर हम लोगों का जो कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों को दिया जाता है, उसमें अगर कॉल करेंगे तो हम लोग उनसे लोकेशन लेके हम लोग वहीं पे जाते हैं सर्विस करने के लिए। बिल्कुल फ्री सर्विस होता है ना उनका, कुछ लोग फ्री सर्विस देते हैं। मतलब नॉर्मली जो अगर ब्रेक्स जो पैड बोलते हैं वो सब चला गया, वो फ्री का सर्विस है वो सब, और कुछ तोड़ फोड़ दिया वो अलग बात है। सर, बहुत सारे लोग अगर ये वीडियो देख के आएंगे तो उनको कौन सा टाइम पे आना पड़ेगा तो उनको जल्द से जल्द बाइक उनको मिल सके, ऐसा आपका कितना टाइम में ओपनिंग होता है, कितना टाइम में क्लोजिंग होता है इसका? देखिए, हमारा ऑफिस जो है वो 9:30 को ओपन होता है, शाम को 6 o'clock तक, आई मीन 6 PM तक ओपन रहता है। उसके बाद मतलब वो सभी क्लोज़ किया जाता है, ओपन रहता है लेकिन क्लोज़ किया जाता है, हमारा कोई काम नहीं होता है। अगर नियर बाई कुछ काम हो, सर्विस वगैरह, तो फिर हम लोग ओपन रखते हैं, किसी के मतलब काम आए तो हम लोग वो कर देते हैं, एटलीस्ट 10 o'clock हम लोग काम करते हैं। और ऐसा सैटरडे संडे कुछ क्लोज है ना? क्लोज नहीं है, सैटरडे को हमारा ऑफिस खुला रहता है, लेकिन संडे को सिर्फ बाहर का काम जो सर्विस रहता है वही बस करते हैं हम लोग। अच्छा, अंदर का कोई काम नहीं होता। मतलब जो अगर न्यू बाइकल लेने के लिए आते हैं मंडे टू सैटरडे? हाँ, मंडे टू सैटरडे। ओके, संडे को क्लोज रहता है, संडे को ऑफिस क्लोज रहता है। सो गाइस, अगर आपके मन में और भी कुछ जानने के लिए इच्छा हो, आपको कुछ मालूम नहीं चला या फिर मैं आपको कुछ नहीं बता पाया, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर और एक यही कंपनी का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन पर देता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और बेंगलोर के अंदर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये, आपको रेंट पे जितना भी रेंटल टू व्हीलर है मैंने खुद भी देखा है, ये सबसे बढ़िया मुझे यहीं पर लगा है, और आप लोग यहाँ पर आकर रेंट पर ले सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।